भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी की लिंग संवेदीकरण इकाई के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष की छात्रा मनीषा द्वारा लड़कियों को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। लिंग संवेदीकरण इकाई के समन्वयक प्रोफेसर आरती गुप्ता ने बताया कि यह कार्य राजकीय महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल के मार्गदर्शन में किया गया है। इस ऑनलाइन आत्मरक्षा प्रोग्राम के माध्यम से मनीषा ने अपने पिता के साथ मिलकर कुछ आसान तरीकों को बताया, जिनका प्रयोग कर कोई भी लड़की विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव कर सकती है। मेरा नाम आरती गुप्ता है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ जेंडर सेंसिटाइजेशन यूनिट का कार्यभार भी संभाल रही हूँ। आज हमारे इंस्टीट्यूशन की एक स्टूडेंट मनीषा का वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि विपरीत परिस्थिति आने पर एक फीमेल अगर असुरक्षित फील कर रही है तो वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। उस लड़की ने बड़े सिंपल वे में अपने फादर के साथ मिलकर 7 स्टेप्स को बताया है, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कोई भी लड़की अगर बार बार रिहर्स करती है, प्रैक्टिस करती है, तो वो इन स्टेप्स को आराम से अप्लाई कर सकती है। अब ये स्टेप्स कहाँ अप्लाई होंगे? अगर आप कहीं असुरक्षित फील कर रहे हो, सपोज़ आप अकेले रोड क्रॉस कर रहे हो, या कहीं अकेले हो, या फिर सपोज़ आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और कोई आपके पर्सनल अरीना में आपको अनकंफर्टेबल असुरक्षित फील करवाता है, तो आपने क्या करना है? इन स्टेप्स को यूज़ करना है अपनी सेफ्टी के लिए। वहाँ पे आपका अलर्ट होना, सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में एक चीज़ और है, आपको बार बार मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपने कुछ विमेन सेफ्टी ऐप्स हैं, जैसे रक्षा है, स्क्रीम, अलार्म है, बी सेफ है, इन सेफ्टी ऐप्स में से किसी एक को डाउनलोड करना है, ताकि जब अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप असुरक्षित फील करें तो आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकें। उज्जवल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।